Hello everyone. Today we will study second chapter components of food of class 6. So let's start it. Chapter 1 में हमने उन food items की list बनाई जिन्हें हम खाते हैं. India के different parts में जो खाना खाया जाता है हमने उसकी भी list बनाई. हमारे खाने में बहुत सी dishes होती हैं जैसे कि चपाती, ब्रिंजल दाल, ब्रिंजल करी, चावल, सांबर और सब्जियां जैसे कि भिंडी, फिश करी आदि. ये सब खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 1 पे. तो यहाँ पे जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि आर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रीन्स. इसमें बताया गया है कि हमारे मील में एटलीस्ट एक आइटम ऐसी होती है जो कि ग्रेन्स से बनी हुई होती है. अदर आइटम्स जो हैं वो हो सकती हैं दाल या फिर मीट से बनी हुई कोई डिश या फिर सब्जियाँ. इसमें और आइटम्स भी इंक्लूड हो सकती हैं जैसे यहाँ पर बताया गया है दही, मक्खन, दूध और अचार. अब यहाँ पर टेबल 2.1 में अलग अलग राज्यों से खाने के कुछ आइटम्स के एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं. ये आ गया टेबल 2.1. जैसे यहाँ पे लिखा है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट यहाँ पे पंजाब है. तो पंजाब में हमारे जो ग्रेन है मक्का, मक्की की रोटी जैसे हम बनाते हैं तो ये वाला ग्रेन जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है. यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे वेजिटेबल में यहाँ पे राजमा है. राजमा ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे खाए तो जाते हैं मत पंजाब में ये स्पेसिफिक है. तो यहाँ पे वेजिटेबल में यहाँ पे सरसों का साग हो गया एंड अदर जैसे दही घी वगैरह हम मोस्टली खाते हैं. आंध्र प्रदेश में जैसे राइस हो गए, रसम. वेजिटेबल में कुंदरू की सब्ज़ी और बटर मिल्क, घी, पिकल ये सब मोस्टली खाया जाता है. What do different food items contain? जैसे कि हमें पता है कि हर एक डिश आमतौर पे एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है जो कि हमें पौधों से और जानवरों से मिलते हैं. तो और ये जो खाना हम खाते हैं इसमें हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स इससे हमें मिलते हैं, न्यूट्रिशंस मिलते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. तो जो हमारे खाने में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो जो हमारे फूड में मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये मेजर होते हैं. इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स. तो इसके अलावा हमारे फूड में डाइट्री फाइबर्स होते हैं. डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं? ये फाइबर रिच फूड होता है. इट इज़ अ फाइबर रिच फूड्स इंक्लूड फ्रूट सच एज बेरीज, पियर्स, मेलन एंड ऑरेंजेस. तो ऐसे फूड से हमें फाइबर्स मिलते हैं. वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, कैरेट्स एंड स्वीट कॉर्न इन सब से हमें डाइट्री फाइबर मिलता है. डाइट्री फाइबर्स मेनली रॉ फूड में मिलता है जैसे कि फ्रूट्स से एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आर बॉडी. तो हमें वाटर भी मिलता है इससे. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? तो क्या सभी फूड में ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स. तो सिंपल मेथड्स होते हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स. तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कंपैरिजन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, तो इनके जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, इजी होते हैं. लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड. तो चलो हम ये टेस्ट सीखते हैं कि कैसे करते हैं ये टेस्ट. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. तो इसके लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन चाहिए. यू विल ऑल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब्स. तो कुछ हमें टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, ड्रॉपर्स चाहिए. टेस्ट ट्यूब जैसे कि आप जानते हो कि कुछ इस तरह की टेस्ट ट्यूब्स होती हैं हमारी केमिस्ट्री लैब में, बॉटनी मतलब बायो की या सारी जो लैब्स होती हैं हमारे स्कूल में, कॉलेज में. तो उनमें ये सब जो मटेरियल है ये अपरेटस है जैसे कि टेस्ट ट्यूब, ये प्रेजेंट होता है. तो आप देख सकते हो आपके स्कूल की लैब में. दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल. तो इसे आप कच्चे खाने पे भी कुक कर सकते हैं, इन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और पके हुए खाने पे भी आप इन्हें परफॉर्म कर सकते हो. तो टेबल 2.2 में शो किया गया हुआ है, ऐसी ऑब्जर्वेशन बना रिकॉर्ड की हुई है. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. ओके, तो उसमें कुछ फूड आइटम्स दी हुई हैं. तो चलिए देखते हैं ये टेस्ट कैसे करना है.
तो ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए. फर्स्ट, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर. तो आप क्या करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में आप पानी डालते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है. तो अगर आप आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने बनाना है, वो कैसे बनाना है, कुछ ड्रॉप्स जो हैं आपने टिंचर आयोडीन की डालनी है एक टेस्ट ट्यूब में जो कि पानी से आधी भरी हुई है, तो हमारा आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर. तो 100 ml ऑफ वाटर आपने लेना है एक बीकर में, तो उसमें आप डालोगे कॉपर सल्फेट, तो उसका 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालोगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो रेडी हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्या है कि 100 ml वाटर में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डालोगे तो कॉस्टिक सोडा का हमारा जो सॉल्यूशन है वो रेडी हो जाएगा. चलिए देखते हैं कि इन सॉल्यूशंस को अभी यूज़ कैसे करना है और कैसे हम ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम करेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च. सबसे पहले हम स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे. इसमें क्या है कि देखो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट. तो किसी भी रॉ इंग्रेडिएंट ले सकते हैं या कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं. जैसे हम चपाती का टुकड़ा ले सकते हैं, कोई पटैटो का पीस ले सकते हैं. तो क्या करना है कि उसे लेना है, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. तो उसमें जो हमने ऊपर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाया टिंचर आयोडीन की हेल्प से, तो उसके 2 to 3 ड्रॉप्स उस पर ड्रॉपर की हेल्प से हमने डालने हैं. ऑब्जर्व If there is any change in the color of the food item, did it turn blue black? वो आपने चेक करना है, ऑब्जर्व करना है. तो अगर वो हमारा जो फूड का आइटम हमने लिया वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इट कंटेन्स स्टार्च. तो मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है. तो इसे आप रिपीट कर सकते हैं, कोई और फूड आइटम्स पे भी आप ये टेस्ट जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं. नेक्स्ट आ गया है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन. ये भी बहुत ही इजी है. तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए आप कोई भी फूड आइटम लेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में. आप सॉलिड फूड आइटम पे भी टेस्ट कर सकते हैं और उसे ग्राइंड एंड मैश करके उसका पेस्ट बना के भी आप उस पर ये टेस्ट कर सकते हैं. उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी फूड की लेके आप उसे टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसमें वाटर के 10 ड्रॉप्स डाल के उसे अच्छे से हिला के मिक्स कर लीजिए. अब एक ड्रॉपर की हेल्प से उस टेस्ट ट्यूब में आपने 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है एंड 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की ऐड करनी है जो हमने ऊपर बनाई थी. फिर अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को शेक करके आपने कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है. और अगर उस टेस्ट ट्यूब में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका कलर वायलेट हो गया तो मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है. और आप सेम टेस्ट अदर फूड आइटम्स के लिए भी परफॉर्म कर सकते हो. तो ये आपका डायग्राम में जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है यहाँ पे कि कुछ इस तरह आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है. ये हमारा कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन हो गया, ये है हमारा ड्रॉपर और ये ब्रिटस जो दिख रहा है ये है हमारी टेस्ट ट्यूब. तो इस तरह से आपने ये सारा जो टेस्ट है वो परफॉर्म करना है प्रोटीन के लिए. नेक्स्ट हमारा टेस्ट है फॉर फैट्स. तो हमने यहाँ पे फैट्स के लिए टेस्ट करना है. तो बटर, ऑयल, नट्स, फिश, मीट एंड जो सब डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें फैट पाया जाता है. इनसे भी हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, इन्हें फैटी फूड भी कहा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. तो हमने कोई भी फूड लेना है, जैसे कि हम कोई परांठा ले लेते हैं, ठीक है, वो ऑयली होता है, वी नो, हाँ, परांठा ले या हम बटर ले लेते हैं, तो उन्हें उसे हमने लेना है और उसे हमने एक पीस ऑफ पेपर पर उसके अंदर रख के उसे फोल्ड करके उसे क्रश करना है या उसे प्रेस करना है. तो कुछ इस तरह से प्रेस करना है ध्यान से कि वो पेपर जो है वो फटे ना. तो हम क्या हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे ऑयली पैचेस आ जाते हैं उस पेपर पे. तो इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, वो ऑयली पैच का मतलब ही ये है कि उस फूड में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है. बट कई बार ये भी हो सकता है कि जो हमने फूड लिया उसमें कई बार वाटर भी होता है. तो अगर उस फूड में हमें लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कंटेन करता है वो फूड, तो देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जब उस फूड को पेपर पे रब करते हैं हमें उस पेपर को थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना चाहिए. उससे क्या होगा कि जब हमारा वो वाटर जो है वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, वो सूख जाएगा, वाटर वहाँ पे नहीं होगा और अगर उसके बाद वहाँ पे ऑयली पैचेस नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस फूड में ऑयल जो है, फैट है, वो प्रेजेंट नहीं है. तो ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है फैट्स के लिए. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स ड्यू फॉर आवर बॉडी.
तो इस पैराग्राफ में हम न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस पढ़ेंगे कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कैसे हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। तो चलिए ये पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट जो फैट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सेम अमाउंट। तो जो हमारा फूड है उसमें फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और जिस फूड में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उस फूड को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि क्या है, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। तो यहाँ पे प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल सोर्सेज बताए गए हैं। जैसे ये डायग्राम है ए, तो इसमें वो प्रोटीन के वो सोर्सेज है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पीज़ है, पीज़ में बहुत से प्रोटीन्स होते हैं, ग्राम मूंग तुअर दाल और सोयाबीन्स। तो इनमें बहुत से हमें प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो वाले प्रोटीन के सोर्सेज जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क, अंडे, तो ये सब हमें एनिमल से प्रोटीन्स मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इस फिगर में हम देख सकते हैं सम सोर्सेज ऑफ विटामिन है। तो विटामिन ए के क्या सोर्सेज हैं, तो ये जो प्लांट से हमें विटामिन ए के सोर्सेज मिलते हैं जैसे कि पपाया, कैरेट, मैंगो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कम से कम एक दो सोर्सेज आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पेपर में एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमें सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, जो जैसे कि यहाँ पे लीवर है, लीवर जो एनिमल्स का लीवर होता है, ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो खा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइस है, वीट है, तो ये विटामिन बी के सोर्सेज हमें मिलते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के सोर्सेज हैं जैसे कि ऑरेंज, टमाटो, यहाँ पे गुआवा है, ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली तो मोस्टली हम सब खाते हैं, तो इससे हमें विटामिन सी मिलता है। टमाटो भी हम डेली हमारी डाइट में होता ही है, हमारी सब्जी में होता है, तो इससे हमें विटामिन सी मिलता है। लेमन, आंवला, तो ये सब ऐसे कुछ फूड हैं तो जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। यहाँ पे ये कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट और ईजिली प्रोवाइडेड जो है सोर्स वो है धूप, सनलाइट। तो सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, हमें रोज़ डेली एक घंटा तो सनलाइट में बैठना ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मिल्क है, बटर, लीवर, एग्स, फिश, तो सेम वही चीज़ें, ये इन फूड से हमें विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन आजकल नमक में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे नमक का भी बॉल रखा हुआ है। फिशेज से मिलता है, जिंजर, स्पिनच, तो इन सब चीज़ों से हमें आयोडीन मिलता है हमारी बॉडी को। यहाँ पे है सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फरस। तो फॉस्फरस के सोर्सेज जैसे बनाना, मिल्क, कुछ ग्रेन्स, तो इनसे हमें फॉस्फरस मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन के सोर्सेज है। आयरन मतलब ये नहीं कि लोहा होता है, वो आयरन की अलग फॉर्म होती है। ये आयरन हमें फूड में प्रेजेंट होता है जैसे एप्पल, लीवर, और यहाँ पे और भी स्पिनच है, तो इससे हमें आयरन जो है वो, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इसेंशियल है, वो हमें मिलता है। नेक्स्ट है सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे कैल्शियम के सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी सोर्सेज है कैल्शियम के, मिल्क एंड एग्स। आपको सभी बताते होंगे कि हमें मिल्क और एग लेना ही चाहिए डेली, तो इससे हमें कैल्शियम मिलती है। अभी यहाँ पे कि मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो कुछ ऐसे बहुत से फूड आइटम्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। तो जब आपने ये ऑब्जर्व किया तो आपने ये भी रिकॉर्ड किया होगा, अब करेंगे ये रिकॉर्ड। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। तो जो रॉ मटेरियल है, कच्चा खाना है, उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा होते हैं दूसरे खाने के कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल जैसे राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जिनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपैरिजन टू अदर। राइस में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ज़्यादा होते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स के, जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कंपैरिजन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है राइस में। बिसाइड्स दी न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। सो इनके अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी चाहिए होता है। तो डाइटरी फाइबर्स आपको बताया था कि फाइबर रिच फूड जो होता है जिनमें बहुत से फाइबर्स होते हैं, हमें कच्चे खाने से मिलते हैं डाइटरी फाइबर्स, और इन्हें रफेज भी कहते हैं। और वाटर चाहिए होता है हमें। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन अ फूड। तो ये जो रफेज होता है हमारे फूड में प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड होता है।
whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. तो roughage जो हमें जैसे pulses होती हैं, दाल होती है, fresh fruits होते हैं, उनमें से हमें मिलते हैं ये fibers, whole grains से मिलते हैं. यहाँ पे whole grains, examples of whole grains include brown rice, jawar, bajra, oatmeal, etc. तो ये सब whole grains की example हैं. यहाँ पे नहीं दी हुई बट आप नोट कर लीजिए, जवार, बाजरा, ओटमील, ब्राउन राइस, तो ये सब होल ग्रेन्स की एग्जांपल है. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आर बॉडी. तो रफेज से हमें हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलता बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर फूड. तो हमारे फूड का फिर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है और ये हमारे फूड में हमें बल्क ऐड करता है, हमारे फूड में बल्क ऐड करता है. तो उससे क्या होता है कि जो हमारा एक्सक्रीशन है, फूड हम जो खाते हैं उसको एक्सक्रीट भी करना होता है, तो जो एक्सक्रीशन में हेल्प हो जाती है, बल्क में इजीली एक्सक्रीशन हो जाता है हमारा. दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उससे उसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं डाइट्री फाइबर्स यानी कि रफेज. तो वाटर की हेल्प से हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाती है. तो इससे क्या होता है कि वाटर की हेल्प से ही जो हमारी बॉडी का जो यूरिन होता है, जो स्वेट होता है, मतलब हमारा पसीना होता है, पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो हमारा वाटर जो है वो हमारे वेस्ट्स को जो एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक. तो जो हम लिक्विड्स पीते हैं जैसे कि हम चाय लेते हैं, दूध लेते हैं, तो उनके द्वारा भी हमें जो हमारी बॉडी में वाटर हमें मिलता है. वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड. तो जो बहुत सारा पका हुआ खाना होता है हम खाने को पानी में पकाते भी हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब वहाँ से भी हमें हमारी बॉडी की जो वाटर की नीड है वो कम्प्लीट हो जाती है. तो ये हमारी आ गई है एक्टिविटी थ्री. तो एक्टिविटी थ्री बहुत ही ईजी है. यहाँ पे जस्ट इतना ही है कि हमें कोई भी टमाटो लेना है या लेमन लेना है, उसे कट करना है, ठीक है, स्मॉल पीसेस में. डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो. तो क्या आप जब उसे कट कर रहे होते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो गीले हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं. तो ये हमने केयरफुली ऑब्जर्व करनी है ये चीज़. वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बींग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड, जब हम उन्हें करते हैं, कट करते हैं, पील करते हैं, उनके छिलके उतारते हैं या उन्हें मैश करते हैं, तो हमारे जो हाथ जो गीले हो जाते हैं. तो उससे क्या पता चलता है कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कौन कौन से वेजिटेबल और फ्रूट्स में मतलब अमाउंट ऑफ वाटर ऑलमोस्ट होता ही है समय, तो ये पता चलता है कि वहाँ से भी हमारी बॉडी की जो वाटर की नीड है वो कम्प्लीट होती है, उनमें भी पानी पाया जाता है. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट. तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि क्या है. तो जब हम सही मात्रा में सारा खाना और उसमें प्रेजेंट सभी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं. नॉर्मली हम पूरे दिन में जो फूड खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. ग्रोथ एंड बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमें डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए हमारे डाइट में जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो भी सही मात्रा में, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम. हमारी डाइट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स के अलावा रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए, ऐसी डाइट को बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम खाना पकाते हैं तो उसे कुक करते समय उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं. खाने की कटिंग करते हुए या छिलका उतारने के लिए हम उसे पील करते हैं या वॉश करते हैं तो बहुत से विटामिन्स लॉस हो जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की जो स्किन होती है, मतलब उनका जो छिलका होता है, उसमें बहुत से विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि जब हम उन्हें पील ऑफ कर देते हैं तो वो लॉस हो जाते हैं. ऐसे ही चावल को, पल्सेस को बार बार धोने से उनके जो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. तो जो कुकिंग करते हैं हम फूड की, उससे हमारा खाना तो टेस्टी बन जाता है लेकिन हम बहुत से विटामिन्स एंड मिनरल्स को कुकिंग प्रोसेस के दौरान खो बैठते हैं. और अगर हम विटामिन सी वाली चीज़ को पकाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अगर हम विटामिन सी वाली चीज़ को अगर हम पकाते हैं तो वो उसके जो विटामिन है वो तो पूरी तरह से ही ख़त्म हो जाते हैं. तो इसलिए बेटर है कि विटामिन सी वाला फूड हम कच्चा ही खा लें तो बेटर है, ताकि हमें वो विटामिन सी जो है वो मिल सके. तो यहाँ पे ये देखो भूजो, ये है भूजो. थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम.
A katori or bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrates rich food, isn't it? Okay. तो यहाँ पे भूजो ने ऐसा सोचा कि फैट से एनर्जी मिलती है तो ऑल द टाइम फैट खाते रहो. वो सोचता है कि एक बॉल फैट रिच फूड को खाने खाना एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को खाने से बेटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि बेशक फैटी फूड हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अधिक मात्रा में फैट लेना अनहेल्दी होता है और उससे हमारा वेट जो है वो बढ़ जाता है. इसलिए हमें सब कुछ सही मात्रा में खाना चाहिए. अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाना शुरू कर देते हैं तो उससे ओबेसिटी हो सकती है. तो ओबेसिटी मीन्स मोटापा. तो ओबेसिटी मोटापे को इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं. ओबेसिटी मीन्स मोटापा. इसलिए फैट रिच फूड को ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़. तो डेफिशिएंसी मतलब कमी और डिजीज़ मतलब बीमारी. तो इसके हेडिंग से ही पता चल जाता है कि कमी की वजह से बीमारी होना, और कमी किसकी, न्यूट्रिएंट की, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की. मतलब इस पैरे में सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ ये बताया गया हो कि अगर हम कोई न्यूट्रिएंट, मतलब हम खाना तो खाते हैं डेली, और अगर हमारे खाने में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, हम वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमारे खाने में नहीं लेते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा ही चलता रहता है, हम उसकी कमी को पूरा नहीं करते हैं, तो हमें डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है, तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है. तो बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में सिर्फ किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से. सो अ सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पे, आप मार्क कर लीजिए. डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. तो अगर क्वेश्चन आए आपको एक नंबर में, दो नंबर में, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज़, तो ये उसका आंसर है. तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से बताया गया है कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन है तो वो इनफ प्रोटीन्स नहीं लेता, अपनी डाइट में प्रोटीन्स नहीं लेता, तो प्रोटीन की कमी की वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से. उसका फेस जो है वो स्वेल हो जाएगा, उसके सफ़ेद बाल हो जाएंगे, उसको स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे डायरिया वगैरह हो जाएगा. तो ये ईजिली हम यहाँ पर हमें पता चल गया कि प्रोटीन की कमी की वजह से ये सब बीमारियाँ जो है वो हो जाती हैं, तो ये सब डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं. तो इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी हम नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन्स भी नहीं ले रहे हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए ऐसा ही चलता जा रहा है, तो क्या होता है, द ग्रोथ में भी स्टॉप कम्प्लीटली. तो कम्प्लीटली जो ग्रोथ है कम्प्लीटली स्टॉप हो सकती है, बिल्कुल ही. सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, तो ऐसा जो पर्सन है बहुत ही पतला हो जाता है, इतना ज़्यादा वो वीक हो जाता है कि वो हिल भी नहीं पाता, नॉट इवन बी एबल टू मूव. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिंस एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स. तो डिफरेंस जो डिफरेंट विटामिंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उससे बहुत सी डिजीज़ होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं, जो यहाँ पे टेबल में मैं आपको ये टेबल समझा देती हूँ. ये टेबल में सब कुछ बताया गया है ईजिली. तो ये जो टॉपिक है डेफिशिएंसी एंड डिजीज़ वाला, तो ये आप इस टेबल से भी ईजिली पढ़ सकते हो. तो इस टेबल में बताया गया है कि सम डिजीज़ डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स. तो यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट है विटामिन ए. तो अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे क्या डिजीज़ होती है, लॉस ऑफ विजन. हमारी जो दृष्टि होती है आँखों की, उसका लॉस होता है, वहाँ पे कमी आती है, तो पुअर विजन ये इसके सिम्टम है. मतलब हमारी जो आँखों की दृष्टि है वो कम हो जाती है, विजन हमारा पुअर हो जाता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. तो अंधेरे में तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. तो कई बार कंप्लीटली विजन का लॉस हो जाता है. विटामिन बी, तो अगर विटामिन बी की कमी हो जाए बॉडी में तो उससे बेरी बेरी डिजीज़ होती है. इस डिज़ीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क. तो जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और काम करने के लिए बहुत ही कम शक्ति बॉडी में बचती है. तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी डिजीज़ होती है. इसमें जो हमारे माउथ में गम्स होते हैं हमारे टीथ के ऊपर, तो वो गम्स से ब्लीडिंग होती है, वोंट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील. तो जहाँ पे भी हमारे अगर कहीं बॉडी पे चोट लगती है तो उन वोंड्स को हील होने में उन्हें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है ठीक होने में. अगर विटामिन डी की कमी आ जाती है तो इसे रिकेट्स डिजीज़ होती है. बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, तो इससे क्या होती है, बोन्स जो हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं. तो हड्डियों का टेढ़ा होना, यहाँ पर बेंट हो जाना, ठीक है. तो कैल्शियम की अगर डिजीज़ होती है तो बोन एंड टूथ डिके,
ये वाली डिजीज़ हो जाती है, मतलब हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत जो है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स टू डिके, मतलब वही जो यहाँ पे डिजीज़ है वही सेम यहाँ पे इसके सिम्टम्स हैं। तो अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो यहाँ पे हमें गॉइटर डिजीज़, कोई पर्सन है अगर उसे आयोडीन की कमी है उसके फूड में, अगर उसकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो उसके गॉइटर की डिजीज़ होती है, गॉइटर डिजीज़ हो जाती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, तो हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारी नेक का जो नेक के ग्लैंड है वो स्वॉलन हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और तो जो चिल्ड्रंस हैं उनमें तो मेंटल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन इज़ अ मिनरल, तो अगर आयरन की हमें कमी होती है बॉडी में तो उससे अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो उससे वीकनेस आ जाती है। इसीलिए कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, क्योंकि एप्पल में बहुत सारा मतलब आयरन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए अगर हम एप्पल रोज़ खाते हैं तो वीकनेस जो अनीमिया की प्रॉब्लम है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बता देती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे बैलेंस्ड डाइट, तो हमारी डाइट में हमारी डाइट में अगर हम सभी तरह के फूड के जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिंस एंड ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर अमाउंट अगर हमारी डाइट में हम ऐड करते हैं तो इसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेरी, तो ये क्या डिजीज़ है, ये एक डिजीज़ है। तो बेरी नर्वस सिस्टम की एक डिजीज़ होती है जो विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी की वजह से होती है। इससे मसल्स वीक हो जाते हैं एंड काम करने के लिए बहुत कम शक्ति बॉडी में बचती है, जो यहाँ पे इस टेबल में भी यहाँ पे बताया गया है बेरी डिजीज़। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स। फूड में ऐसी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ एनर्जी, तो एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नॉन एज एनर्जी, तो काम करने की शक्ति या सिंपल वर्ड्स में शक्ति, तो एनर्जी मतलब शक्ति या फिर एबिलिटी टू डू वर्क। नेक्स्ट है फैट्स, तो जिस फूड में ऑयल होता है मतलब ऑयली फूड को फैट्स कहा जाता है, ये हमें प्लांट से भी मिलता है एंड एनिमल से भी मिलता है। नेक्स्ट है मिनरल्स होते हैं खनिज पदार्थ, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सब तो हमने ऊपर पढ़ा ही है। तो मिनरल्स होते हैं खनिज पदार्थ, जो न्यूट्रिएंट्स मतलब पौष्टिक तत्व, तो जो खाने से जब हम जहाँ से हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो खाने से, जिस खाने से मतलब वो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, तो अ न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड, इट इज़ अ न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड, तो प्रोटीन भी क्या है, एक न्यूट्रिएंट है, जैसे कि मिल्क, मीट, एग्स, बीन्स, ऐसे फूड में से हमें ये मिलता है। ये बहुत से अमाइनो एसिड्स को जोड़कर बनता है, यानी कि प्रोटीन इज़ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है रफेज, तो रफेज पहले भी बता चुकी हूँ कि डाइट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, डाइट्री फाइबर्स होते हैं सॉरी, तो उन्हें रफेज बोला जाता है, जो फ्रूट से, वेजिटेबल से कच्चे जो खाना होता है, कच्चा खाना होता है उससे हमें मिलता है। तो नेक्स्ट है स्कर्वीज डिजीज़, जैसे ये यहाँ पे टेबल में भी है तो ये तो यहाँ पे है ही, तो इट्स अ डिजीज़ ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी की कमी से ये वाली डिजीज़ जो है ये हो जाती है। नेक्स्ट है स्टार्च, तो कार्बोहाइड्रेट है ये, स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड होता है या एनर्जी होती है उनमें स्टोर्ड एनर्जी, तो उसे स्टार्च कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिंस, तो न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस आर आल्सो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।